अभी हम जानने वाले हैं हुलगुर हजरत शाह खादरी, उनका आज झंडा है, वो झंडे के लिए हम सब उधर जा रहे हैं। अभी हम यही कार से हुलगुर शरीफ जाएंगे, उधर का झंडे का नज़ारा सबको सब रिकॉर्ड कर आपको हम दिखाएंगे। अभी मैं अख्तर और मलिक मेरे साथ में, और मैं यही कार से अभी हम हुलगुर जाएंगे, जाकर सारा वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, उधर का उधर के दरगाह का ज़ियारत भी आपको कराएंगे। हुलगुर में वीडियो शूट करने के लिए परमिशन है। पिछले वीडियो में मेरे बंकापुर के जो मैं वीडियो शूट किया था दरगाह के मज़ार, कुछ मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि बंकापुर में वीडियो मतलब अलो नहीं था, इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। अभी मैं हूँ बंकापुर गेट के पास, आप देख सकते हो अभी ये ऊपर वाला ब्रिज है, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पर लिखा गया है सोनूर हुबले हवेरी। इधर उनकुल जाकर सारा वीडियो हम दिखाते रहेंगे, प्लीज पूरा वीडियो होने तक वॉच कीजिएगा। और मलिक भाई कुछ बोलना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, बोलो ना। वीडियो पसंद लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में ये वीडियो हुलगुर का झंडे का जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे। अभी इधर बहुत ज्यादा धूप है, अभी मैं इधर कैमरा यूज नहीं कर रहा, मैं फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उधर जाने के बाद कैमरा में यूज करूंगा, इसीलिए थोड़ा क्लियरिटी भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और इधर बहुत ज्यादा धूप है इसलिए मैं थोड़ा क्लियर भी थोड़ा कम लाएगा शायद। आपको ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अभी चलेंगे आगे इसी कार से, एक बार देख लीजिएगा, पूरा वीडियो होने तक बने रहिए। गाइस अभी हम लोग इधर नेशनल हाईवे में टच होने वाले हैं, नेशनल हाईवे पहुंचते ही आपको
मैं ये फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कैमरा से थोड़ी बोलो जी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, फोन से कर रहा हूँ क्योंकि बोलो जी पूरा कैमरा पूरा पैकिंग किया हुआ किया गया है, इसलिए उधर चाहे कि मैं कैमरा ऑन करूँगा आपको ये वीडियो उतना क्लियरिटी नहीं मिलेगा मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे मेरे सब्सक्राइबर को मैं जितना हो सके उतना क्लियरिटी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। मैं इधर एक या दो दिन पहले ही आने वाला था, थोड़ा ऐसा कुछ काम था इसलिए मैं आ नहीं पाया, इसलिए अभी मैं 11:30 बजे अभी से पहले मुझे यहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि मैं अभी पहले पोस्टर पोस्ट किया था इसलिए, और अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि मुझे मिलने के लिए कितने लोग आएंगे, मतलब कौन कौन मुझे इधर मिल सकता है, सारा उनका मैं फोटो वगैरह सब शूट करके अपने वीडियो में या पोस्ट करूँगा सारा के साथ, आप पूरा वीडियो जो भी मेरे मिलना आएंगे सारा मैं दिखाते रहूँगा अपने के लिए। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग करने का मेरा मन करता है, मगर थोड़ा बहुत मेरे प्रॉब्लम है इसीलिए मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाता, आगे हो सके मैं डेली कर सकता हूँ मुझे पूरी उम्मीद है, आगे जाकर मैं आपको अच्छे से अच्छा मैं ब्लॉगिंग कर दिखाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे सीधा उलगुर जाकर, उलगुर के थोड़े दूरी पहुँच कर उधर से वीडियो फिर से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा आगे के प्रोसेस। ये सब लोग उलगुर शरीफ में पहुँच रहे हैं, बहुत सारी पब्लिक आती है सामने का पीछे नौरी में, मतलब सब लोग भर भर कर जाते हैं, अब देख सकते हो चेयर सब इसमें लगा हुआ है और आगे भी देख सकते हो वो साइड में गाड़ी वगैरह सब इधर है, फुल पब्लिक है। गाइस आप देख सकते हो सामने गाड़ी भर भर कर आदमी ले जा रहे हैं उधर, गाड़ी में बैठने के लिए जगह नहीं, ऊपर नीचे सब भर कर ले जा रहे हैं, आपको मैं सामने गाड़ी जा रहे हैं दिखाता हूँ। आजू बाजू साइड पीछे आगे ऊपर सब लोग घर भर चुके फुल आदमी ऊपर नीचे आगे पीछे सब साइड से भर चुके हैं, क्योंकि उधर आज बहुत सारी पब्लिक आती है, आगे भी जितना अभी तो बज रहा है मतलब 10 का टाइम बज रहा है अभी, और जितना शाम के टाइम पर है बहुत सारी पब्लिक आएगी उधर, बहुत बोले तो बहुत सारी पब्लिक आएगी शाम के टाइम पर, अब देख सकते हो उधर फुल मामा वाले किया हूँ
गुस्सा पड़ रहा हूँ, रात को लाने मुश्किल होता है, क्या करेंगे वहाँ से अंदर है। सर हेलो, उधर से फिर थोड़ा उधर बड़ा एक खेती है, खेती में सब पार्किंग किया जा रहा है, उधर जाकर हम पार्किंग करेंगे, उधर पार्किंग का पूरा वीडियो हम दिखाते रहेंगे, देखते रहेंगे। हर साल दोस्तों बहुत सारी पब्लिक आते हैं यहाँ पर, देखिए गाइस अभी इधर थोड़ा ट्रैफिक जाम हो रहे हैं आज, और शाम में मतलब बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। सामने के गाड़ी में आप देख सकते हो बच्चे लोग सब भर भर कर रहे हैं, अभी तो हम जा सकते हैं, आने में बहुत प्रॉब्लम होता है, घंटा होना खाली वर्किंग कर लगाने लगाते हैं खेत में, यहाँ लगाए तो यहाँ पास करने नहीं होता बाद में। चल चल के जा रहे हैं इधर, सामने की देख सकते हो गाइस, इधर से ही और भी बहुत दूर है, हो इधर से ही कार पार्किंग सब इधर से ही लगाए जा रहे हैं, आप सामने से देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए गाइस इधर से फुल पार्किंग चल रही है, बहुत गर्मी है गाइस, स्लो में जाना पड़ रहा है। कौन से घर है पहचान कर लेंगे, वो गाड़ी में देख रहे कर पता नहीं हमारे कार मस्त जगह था सी क्या है हमारा। इधर हुलगुर शरीफ के इधर पार्किंग एरिया में आके इधर रुक चुके हैं अभी, अब देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियां हैं, और भी बहुत सारी गाड़ियां आने वाली है, हमारे इनके मामू के मतलब इनके इनके घर के सामने ही मतलब हम गाड़ी इधर पार्क कर चुके हैं, आप देख सकते हो कितने बहुत सारे इधर गाड़ियां आकर रुक चुके हैं, और भी बहुत सारे गाड़ियां आने वाली है, आपको मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगा। यह है हमारी कार है, ये कार से हम अभी इधर आए हैं, इधर बहुत सारी धूप है गाइस, उधर पार्किंग एरिया से हम अभी दरगाह शरीफ की तरफ पहुंच रहे हैं हम तीन लोग, अब देख सकते हो इधर से खेती से पार होकर जा रहे हैं, अभी मैं आपको इधर से फ्रेंड नज़ारा दिखाऊंगा, एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड दरगाह के, और भी बड़ा सा ये खेती है उधर का, मैं फ्रेंड नज़ारा दिखाऊंगा आप देख लीजिए। थोड़ी थोड़ी बात करना पूरा एक मार्ग हो रखी है, बाद में झंडा झंडा जाना कम नहीं है। कैसे झंडा अभी तैयार हो रहा है,
झंडा अभी रेडी हो रहा है, अभी यहाँ पे चढ़ाया जाएगा ठीक 4:30 या 5 बजे। Thank you.